दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि ब्लीचिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ब्लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, ब्लीचिंग प्रोसेस किन किन विधियों द्वारा की जाती है और कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के डिस्कशन का टॉपिक ब्लीचिंग प्रोसेस है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब ब्लीचिंग प्रोसेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो गाइस, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ब्लीचिंग प्रोसेस का, तो ब्लीचिंग प्रोसेस से किसी भी फाइबर यार्न या फैब्रिक के अंदर जो भी नेचुरल कलर या पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो हम कॉटन की बात कर रहे हैं तो कॉटन फाइबर, कॉटन यार्न या कॉटन फैब्रिक के अंदर जो भी नेचुरल कलर्स या पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो उसको ब्लीचिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जाता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू वाइटन द फैब्रिक, मतलब कपड़े को वाइट बनाना। गाइज, क्या होता है कि जो स्काउर्ड फैब्रिक होता है, मतलब ऐसा फैब्रिक जिसकी स्काउरिंग की गई होती है, तो उसके अंदर नेचुरल कलर और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका शर्ट का ब्राइटनेस होता है, कपड़े की एब्जॉर्बेंसी होती है, तो या यूँ कहें कि यदि हम स्काउरिंग किए हुए कपड़े को डाई करते हैं तो ब्राइटनेस ऑफ शेड प्रभावित होती है, मतलब जितना शेड ब्राइट आना चाहिए उसको आप अचीव नहीं कर पाते हैं यदि आप कपड़े की ब्लीचिंग नहीं करते हैं। और जो एब्जॉर्बेंसी होती है वो भी सही से नहीं आती कपड़े के अंदर, और जो शेड होती है कपड़े की तो आफ्टर डाइंग उसके अंदर अनइवननेस आती है। और यदि हम पेस्टल कलर डाई करते हैं या पेस्टल शेड्स डाई करते हैं, तो गाइस क्या होता है कि यदि हमने अपने कपड़े की ब्लीचिंग नहीं की, डायरेक्ट स्काउरिंग के बाद में उस कपड़े को यदि हम डाई करते हैं, तो वहाँ पे जो पेस्टल शेड्स होते हैं तो वो प्रोमिनेंटली अपीयर नहीं होते हैं, मतलब शेड सही से नहीं आता है। और इसका रीज़न होता है कि कपड़े के अंदर जो ट्रेसेस होते हैं नेचुरल कलर्स के और पिगमेंट के, तो उसके वजह से पेस्टल कलर का शेड प्रभावित होता है। गाइस, अब बात करते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस की कि ब्लीचिंग प्रोसेस होती क्या है। तो बेसिकली जो ब्लीचिंग प्रोसेस होती है वो किसी भी कॉटन यार्न, कॉटन फाइबर या कॉटन फैब्रिक से नेचुरल कलर और पिगमेंट को केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा ख़त्म करने की जो प्रोसेस है उसको हम ब्लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो गाइस, क्या होता है कि ब्लीचिंग प्रोसेस के बाद में किसी भी फैब्रिक यार्न या फाइबर के अंदर कोई भी जो नेचुरल कलर या नेचुरल पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो ब्लीचिंग के बाद में वो डिसअपीयर हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होता है वो वाइट हो जाता है, मतलब उसके अंदर वाइटनेस आ जाती है। ये तो हुआ आपका ब्लीचिंग प्रोसेस। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लीचिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली देखिए, टाइप ऑफ ब्लीचिंग,
तो ब्लीचिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक होती है ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरी होती है ब्लीचिंग बाय रिडक्शन प्रोसेस। तो जो ब्लीचिंग होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा, उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के द्वारा हम कलर को ख़त्म करते हैं, या जो नेचुरल कलर होता है या नेचुरल पिगमेंट होता है तो उसको डिसकलर करते हैं हम ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस तीन प्रकार की होती है। तो वो तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग, दूसरा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग, और तीसरा होता है सोडियम क्लोराइड ब्लीचिंग। तो गाइस इन तीनों को सबसे पहले मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग, तो गाइस इसके अंदर क्या होता है कि हम ब्लीचिंग के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, और जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है उसके अंदर जो अवेलेबल क्लोरीन की मात्रा होती है वो 15 से लेके 18% होती है। और गैस क्या होता है कि यदि हम सोडियम क्लोराइड जो केमिकल होता है उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करते हैं तो वहाँ पे जो क्लोरीन का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता जाता है। तो यूज करने से पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उस मटेरियल को यूज करते हैं। जो हाइपोक्लोराइड होता है वो बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और गैस जो प्रोसेस होती है ब्लीचिंग की, जब हम हाइपोक्लोराइड से ब्लीचिंग करते हैं तो जो हम कंडीशंस दे रहे हैं नीचे बता रहे हैं आपको वो कंडीशंस, तो उन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अंडर ही हम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग प्रोसेस करते हैं। तो क्या क्या कंडीशन ध्यान रखते हैं हम, एक तो ब्लीचिंग वाट का जो पीएच होता है, दूसरा टेम्परेचर होता है, तीसरा होता है टाइम। तो गाइस इन तीनों को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहला होता है पीएच, तो हमने आपको बताया कि ये हाइपोक्लोराइड बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो प्रोसेस के दौरान हमें ब्लीचिंग बाथ के पीएच को रेगुलरली मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, और जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी पीएच के साथ में बदलती है। और जब हम ब्लीचिंग करते हैं तो हाइपोक्लोराइड से क्या होता है गैस कि OCl आयन निकलता है, तो वो निकलता है आपका 10 पीएच से ऊपर वैल्यू पर, और यदि ब्लीचिंग बाथ का जो पीएच है 5 से लेके 8.5 के बीच में रहता है तो जो हाइपोक्लोराइड आयन होता है वो लगभग जीरो हो जाता है, मतलब निकलता नहीं है, लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और ये जो हाइपोक्लोराइड होता है वो हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि हमारा ब्लीचिंग बाथ का पीएच 5 से नीचे चला जाता है तो वहाँ पे क्लोरीन गैस उत्पन्न हो जाती है, और जो पूरा का पूरा हाइपोक्लोरस एसिड होता है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। गैस हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता है कि जो सेलुलोज की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो वो 5 से लेके 9 के बीच का जो पीएच होता है उसके बीच में सबसे ज़्यादा होती है, और इस दौरान जो हाइपोक्लोरस आयन होता है वो सबसे ज़्यादा जनरेट होता है।
तो गाइस जो ब्लीचिंग प्रोसेस होती है तो उसको हम कैरी आउट करते हैं 10 से लेके 11 पीएच के बीच में। तो 10 और 11 का जो पीएच होता है तो इसके बीच में जो हमारा कॉटन गुड्स होता है उसको कम डैमेज होने की संभावना होती है। और गाइस जब ब्लीचिंग प्रोसेस होती है तो होता क्या है कि प्रोसेस के दौरान हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है, और ये जो जनरेट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे ब्लीचिंग बाथ के पीएच को घटाता है। तो वहाँ पे हमें पीएच मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, और एज ए बफर सॉल्यूशन हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। 5 से लेके 10 GPL का जो कंसंट्रेशन होता है वो हम इसके अंदर मिलाते हैं ब्लीचिंग बाथ में। अब देखिए टेम्परेचर, तो गैस देखिए जो हमारी ब्लीचिंग की प्रोसेस होती है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होती है, और जो रिएक्शन टेम्परेचर होता है तो उस पर भी डिपेंड होती है। तो जो हमारी ब्लीचिंग प्रोसेस होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, 5 से लेके 9 ग्राम्स पर लीटर एक्टिव क्लोरीन जनरेट होती है आपकी रूम टेम्परेचर पे, और जो रिएक्शन टाइम होता है वो 200 लेके 4 आवर होता है। बट प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं। जो हमारा ब्लीचिंग बाथ होता है तो उसके अंदर हम ये एश्योर करते हैं कि उसके अंदर कॉपर और आयरन के मेटल तो नहीं है, तो उनको हम हमेशा अवॉइड करते हैं। और ये जो हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग होती है इसके अंदर जो हमारा गुड्स होता है उसके टेंडर होने के चांस बने रहते हैं, मतलब हमारे सेलुलोज को डैमेज कर सकता है ये। गाइस अब होता क्या है कि जो ब्लीचिंग करते हैं जब हम, तो ब्लीचिंग के बाद में हमारे कॉटन फैब्रिक या कॉटन यार्न या फाइबर के अंदर क्लोरीन के ट्रेसेस रह जाते हैं। तो यदि ऐसा कपड़ा जिसके अंदर क्लोरीन के ट्रेसेस मौजूद हैं और उसको स्टोर किया जाता है लंबे समय के लिए, तो उस कपड़े के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीकलरेशन और एंटी कलर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रेसिडुअल क्लोरीन होती है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, 5 ग्राम पर लीटर सल्फ्यूरिक एसिड या 20 ग्राम पर लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या 5 से लेके 10 ग्राम पर लीटर सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं 60 डिग्री पे, और रिएक्शन टाइम होता है 30 मिनट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसिड होता है वो हाइपोक्लोराइट को वोलेटाइल क्लोरीन में बदल देता है। तो वोलेटाइल क्लोरीन में जब बदल देता है तो जो क्लोरीन होती है अपने आप एवोपोरेट हो जाती है, और वहाँ पे जो क्लोरीन के रेसिड्यू होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो हमारा बाइसल्फाइड होता है वो क्या करता है कि क्लोरीन को हार्मलेस सोडियम या कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। गाइस ये जो क्लोरीन के ट्रेसेस होते हैं तो इनको रिमूव करने का अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, अल्कलीन हाइड्रोजन परऑक्साइड 3 ml पर लीटर और 0.3 ग्राम पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम ट्रीट करते हैं कपड़े को इसके साथ में। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में डीक्लोरीनेशन तो होता ही है, उसके अलावा जो वाइटनेस की स्टेबिलिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। गाइस अब जो दूसरा मेथड होता है और मोस्ट कॉमन मेथड होता है
कॉटन की ब्लीचिंग का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वो होता है ब्लीचिंग विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट मशीन जैसे कि बैच, सेमी कंटिन्यूस और कंटिन्यूस प्रोसेसेस एज वेल एज फॉर ब्लीचिंग कलर्ड गुड्स। तो ये कलर्ड गुड्स की ब्लीचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो आपका कपड़ा होता है स्काउट फैब्रिक, उसकी ब्लीचिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम स्काउरिंग और ब्लीचिंग एक साथ में भी कर सकते हैं या ब्लीचिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, इसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम किसी भी कपड़े की ब्लीचिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो वहाँ पर कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जब कम पानी की आवश्यकता होती है तो उससे जो हमारा वाटर निकलता है आफ्टर प्रोसेस, तो उसके ट्रीटमेंट में भी कम खर्चा आएगा, क्योंकि जितना कम पानी निकलता है उतना ही कम खर्चा होता है। और ये जो हमारा परऑक्साइड ब्लीचिंग होती है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, मतलब ऑक्सीडेशन से जो हमारे कॉटन को जो डैमेज होता है, वो परऑक्साइड ब्लीचिंग में कम होता है। और ये जो परऑक्साइड ब्लीचिंग होती है, तो इसके लिए जो इक्विपमेंट होते हैं या मशीन होती हैं, वो सेम होती हैं, और स्काउरिंग बैच में भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस में भी कर सकते हैं स्काउरिंग और ब्लीचिंग। गाइस, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, तो उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो लो होता है, और इसका जो नेचर होता है तो एज ए वीक एसिड होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड अल्कलीन मीडियम में परऑक्साइड एनायन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो परऑक्साइड एनायन होता है, तो ये एक्टिव ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। और जो ब्लीचिंग बाथ के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होता है, वो हमारे रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है और रेट ऑफ ब्लीचिंग को बढ़ाता है। तो जब रेट ऑफ ब्लीचिंग बढ़ती है जो आपके हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उनके द्वारा, तो हमें रिएक्शन को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट के द्वारा, और जो स्टेबलाइजिंग एजेंट प्रयोग करते हैं वो सोडियम सिलिकेट को यूज़ किया जाता है। और जो सोडियम सिलिकेट होता है, वो जो मेटल कंटामिनेशन होता है उसके अगेंस्ट में भी प्रोटेक्शन देता है। और जो सिलिकेट होता है वो मैग्नीशियम साल्ट के प्रेजेंस में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं वो परऑक्साइड बाथ में एक कैलकुलेटेड मात्रा में मिलाए जाते हैं। अब जो डिसएडवांटेज होता है सिलिकेट का, वो ये होता है कि जो हमारी मशीन होती है उसके साइडों में ये चिपक कर कपड़े के ऊपर स्कफ मार्क पैदा करता है। तो यहाँ पे हम टाइपिकल रिसाइप्स बता रहे हैं परऑक्साइड ब्लीचिंग के, तो यहाँ पे देखिए गाइस, बट ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो रिसाइप्स हैं ये बदल भी सकते हैं, आपके कम ज़्यादा डोज भी हो सकती है, क्योंकि आपकी कपड़े की क्वालिटी और आपके केमिकल की क्वालिटी और आपका रिएक्शन टाइम, तो सबके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड 35% की, तो वो 50 से लेके 60 ml पर लीटर, और सोडियम सिलिकेट 10 ml पर लीटर, ऑर्गेनिक स्टेबलाइज़र 10 ग्राम पर लीटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 ग्राम पर लीटर, वेटिंग एजेंट 1 से लेके 2 ग्राम पर लीटर, लिक्वर पिकअप 100%, इम्प्रेगनेटिंग टेम्परेचर 20 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिएक्शन टाइम होता है आपका 1 से लेके 2 घंटे, और टेम्परेचर रखा जाता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो मैंने ऊपर जैसे आपको बताया कि जो कंसंट्रेशन होता है केमिकल्स का वो बदल सकता है, और जो टाइम होता है वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि किसी कपड़े के अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और किसी के अंदर इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, उसी के हिसाब से आप केमिकल की डोजिंग करते हैं। और
जो रिक्वायर्ड वाइटनेस होती है उसके अनुसार भी आपके जो केमिकल हैं उनकी मात्रा बदल सकती है। गाइस अब ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग जो होती है तो उसमें जो एक मेथड होता है वो होता है ब्लीचिंग विद सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ में ब्लीचिंग की जाती है। तो पहले तो सोडियम क्लोराइड को हम सिंथेटिक फाइबर की ब्लीचिंग में प्रयोग करते थे, बट आज की डेट में हम इसको कॉटन में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सेलुलोज को सबसे कम डैमेज करता है। गाइस सोडियम क्लोराइड ब्लीचिंग में कभी कभी हम ग्रे गुड्स को भी ब्लीच करते हैं बिना बॉयलिंग के, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी एब्जॉर्बेंसी आती है आफ्टर ब्लीचिंग वो भी हमारी टॉलरेंस लिमिट के अंदर होती है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं ग्रे ब्लीचिंग में वो ख़त्म नहीं होती हैं, रिमूव नहीं होती हैं, बट क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज होकर कलरलेस हो जाती हैं। और जो ग्रे ब्लीचिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ ख़त्म तो नहीं हुई हैं, कपड़े के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो जो वेट लॉस होता है कपड़े का वो भी कम होता है, और जो सोडियम क्लोराइड होता है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टलिन पाउडर फॉर्म होता है, 80% की स्ट्रेंथ होती है, और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन स्लाइटली अल्कलीन होता है, इसका पीएच 8.5 होता है। और गाइस क्या होता है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को एसिडिफाई करते हैं और पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 4.5 रखते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो जनरेट होता है। गाइस इस प्रोसेस के दौरान क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो पॉइजनस भी होती है और एक्सप्लोसिव भी होती है, और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो कोरोसिव होता है, मतलब उससे जंग लगने की संभावना होती है मेटल के ऊपर, तो स्पेशल टाइप के मेटल के वेसल में ये प्रोसेस की जाती है। सोडियम क्लोराइड ब्लीचिंग के दौरान जो हम पीएच रखते हैं 4 ± 0.2 रखते हैं, और इस पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर्स का प्रयोग किया जाता है, तो इंडस्ट्री के अंदर इनको एक्टिवेटर भी कहते हैं गाइस। और गाइस जो एक्टिवेटर होते हैं तो उनमें डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट से क्या होता है कि जो कपड़े की वाइटनेस होती है वो इम्प्रूव होती है। गाइस यदि आप सोडियम क्लोराइड के साथ में कॉटन की ब्लीचिंग कर रहे हो तो कुछ कॉमन रिसाइप्स मैं नीचे बता रहा हूँ आपको, बट कंडीशंस वही होते हैं कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर, आपका टाइम, आपका कंसंट्रेशन, फैब्रिक की क्वालिटी के अनुसार, उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ के अनुसार और डिग्री ऑफ वाइटनेस के अनुसार बदल सकते हैं। तो ये कॉमन रिसाइप्स हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड 80% का होता है तो वो लिया जाता है 20 से लेके 25 ग्राम्स पर लीटर, सोडियम नाइट्रेट 2 से लेके 3 ग्राम पर लीटर, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 0.5 to 1.0 ग्राम पर लीटर, वेटिंग एजेंट 1 से लेके 2 ग्राम पर लीटर, फॉर्मिक एसिड टू एडजस्ट पीएच 3.8 to 4.2, तो ये ऐड किया जाता है, और टेम्परेचर रखा जाता है आपका 85 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिएक्शन टाइम होता है 2 से लेके 4 आवर्स। तो यहाँ पे मैं आपको कंडीशन फिर बता देता हूँ कि ये रिसाइप बदल सकते हैं, और आफ्टर ट्रीटमेंट हम फैब्रिक को बॉइलिंग वाटर से वाश करते हैं और 0.5 से लेके 1% कोल्ड सोडियम बाई सल्फेट सॉल्यूशन से इसको ट्रीट करते हैं, जिससे डी क्लोरिनेशन हो जाता है, जो क्लोरीन के रेसिड्यू होते हैं, अवशेष होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। गाइस अभी तक मैंने आपको बताया ब्लीचिंग बाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, अब मैं आपको बताता हूँ ब्लीचिंग बाई रिडक्शन प्रोसेस। तो गाइस जो रिडक्शन प्रोसेस होती है, देखिए मैनी कलर्ड मटेरियल्स आर डीकलराइज्ड बाई रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सल्फाइड, बाई सल्फाइड एंड
हाइड्रोसल्फाइड, तो बहुत सारे कलर होते हैं तो उनको हम डिसकलर करते हैं, मतलब उनको कलर को ख़त्म करते हैं, तो उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग होता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट आपके सल्फाइड, बाईसल्फाइड और हाइड्रोसल्फाइड्स होते हैं। और गैस क्या होता है कि कलरलेस फॉर्म इज समटाइम्स इनसोल्यूबल इन वाटर एंड मे बी ईजिली ऑक्सीडाइज्ड टू द कलर्ड फॉर्म। तो जो कलरलेस फॉर्म होता है वो कभी कभी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, इनसोल्यूबल होता है, तो वो कभी कभी ईजिली ऑक्सीडाइज होके कलर में चेंज हो जाता है। तो ये जो रीजन होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसका जो यूज है ब्लीचिंग में वो लिमिटेड हो जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं, तो उसका प्रयोग ऊल की ब्लीचिंग में किया जाता है, बट वहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड के कॉम्बिनेशन में हाइड्रो का प्रयोग किया जाता है। और जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, और ये जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है वो ईजिली पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, और यदि जो मीडियम अल्कलीन नहीं है तो वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से डिकम्पोज भी होने लगता है, और इसीलिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड में अल्कली ऐड किया जाता है जिससे कि सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो एच ए एंटी क्लोर्स यूज किए जाते हैं। एंटी क्लोर्स का मतलब होता है कि ब्लीचिंग के बाद में जो क्लोरीन के ट्रेसेस रह जाते हैं उनको ख़त्म करने में प्रयोग किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो क्या होती है कि ये आपके इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, और इनकी जो स्मेल होती है वो गंदी होती है और टॉक्सिसिटी भी होती है। तो इससे क्या होता है कि लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया आपका ब्लीचिंग प्रोसेस। गैस अब बात करते हैं कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज की। तो कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज को CBR भी कहते हैं, और इसके अंदर फैब्रिक प्रीट्रीटमेंट प्रोसेस कंटिन्यूसली की जाती है, और इसके अंदर स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग एक साथ की जाती है। तो कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज के अंदर तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक तो होता है डिसाइज वाश टू रिमूव स्टार्च कंटेंट फ्रॉम द फैब्रिक। तो डिसाइजिंग के बाद में स्टार्च कंटेंट होता है फैब्रिक में उसको रिमूव करना, और उसके बाद में होता है स्काउरिंग। तो स्काउरिंग में क्या होता है फैब्रिक के अंदर जो नेचुरल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हटाना और जो फैब्रिक की एब्जॉर्बेंसी होती है उसको बढ़ाना, और थर्ड होती है आपकी ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग के अंदर कपड़े को वाइट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप फैब्रिक पेसेज इन कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज, तो ये मैंने आपको दिखाया हुआ है एक स्कीमेटिक डायग्राम, तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फैब्रिक पास होता है। तो सबसे पहले देखिए आप कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, पार्ट होते हैं। देखिए एक नंबर बैच है आपका, दो नंबर इनलेट जे स्क्रे है, तीन नंबर आपका स्टीम एंड हॉट वाटर इंजेक्शन चैम्बर है, और आपका चौथा है आपका प्री वाशिंग कंपार्टमेंट, पांचवा है आपका देखिए ब्लीचिंग केमिकल ट्रफ है, और छठवा आपका स्टीमर है, सातवा आपका पोस्ट वाशिंग कंपार्टमेंट है, और ये न्यूट्रलाइजिंग कंपार्टमेंट भी होता है, और आपका आठवां ड्राइंग रेंज हो गया, नौवां आपका आउटलेट जे स्क्रे है ये वाला, और दसवां आपका बैच है। तो गाइस अब मैं सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिसाइज्ड फैब्रिक बैच, तो जो बैच होता है तो उसके ऊपर कपड़े को बाइंड किया जाता है, तो वही बैच आपके कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज के ऊपर ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस इसके बाद आता है आपका इनलेट जे स्क्रे, तो ये
कपड़े की कंटिन्यूस फीडिंग को कंट्रोल करता है सीवीआर के अंदर, और ये कपड़े की एफिशिएंट और कंटिन्यूस फीडिंग को सुनिश्चित करता है। और जो फैब्रिक होता है तो बैच चेंज के दौरान ये कपड़े को अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है और मशीन को बिना बंद किए हुए ही बैच बदलने में मदद करता है। गाइज, इसके अंदर एक टेंशन रोलर होता है, प्रेशर रोलर होता है और कंपनसेटर होता है। टेंशन रोल का काम होता है कपड़े को रिक्वायर्ड टेंशन देना, और जो कंपनसेटर होता है तो वो फैब्रिक के टेंशन को कंपनसेट करता है जब फीडिंग टेंशन वेरी करता है। और ये यूनिट सुनिश्चित करती है कि कपड़े की जो फीडिंग हो रही है विदाउट क्रीज हो। गाइस, इसके बाद में आता है आपका स्टीम एंड हॉट वाटर इंजेक्शन यूनिट। तो ये जो आपका डिसाइड फैब्रिक होता है तो उसके अंदर स्टार्च और दूसरे केमिकल के अवशेष होते हैं, तो इसलिए उस कपड़े को ब्लीचिंग के पहले अच्छे तरीके से वॉश करने की आवश्यकता होती है और रिमूव करने की आवश्यकता होती है। और हमारा फैब्रिक होता है तो वो एंटर करता है आपके फर्स्ट प्रीवॉशिंग कंपार्टमेंट में, यहाँ पे स्टीम और हॉट वाटर को इंजेक्ट किया जाता है फैब्रिक के अंदर। गाइज, इसके बाद आता है आपका प्रीवॉशिंग कंपार्टमेंट। तो जो आपका स्टीम और हॉट वाटर इंजेक्शन यूनिट था उसके बाद में कपड़ा आपका एंटर करता है प्रीवॉशिंग यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कपड़े की जो प्रीवॉशिंग होती है वो की जाती है, यहाँ पे स्टार्च और अदर इम्पोर्टीज होती हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं डिसाइज फैब्रिक से, और यहाँ पे हॉट वाटर का प्रयोग किया जाता है। गाइस, इसके बाद में आता है आपका ब्लीचिंग केमिकल ट्रफ। तो इसमें क्या होता है गाइस कि जो भी ब्लीचिंग के अंदर केमिकल यूज होते हैं उसका सॉल्यूशन इस ट्रफ के अंदर भरा जाता है, और केमिकल का जो कंसंट्रेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू रिसाइप्स होता है। यहाँ पर फैब्रिक पैडिंग की जाती है ब्लीचिंग केमिकल्स के द्वारा, और ये जो यूनिट होती है कपड़े की यूनिफॉर्म पैडिंग को सुनिश्चित करती है। गाइस, अब आता है आपका केमिकल डोजिंग टैंक। तो केमिकल डोजिंग टैंक बेसिकली क्या करता है कि जो हमारी प्रोसेस होती है, हमारी मशीन कंटिन्यूसली चल रही है, तो उसके अंदर ये सारे केमिकल की कंटिन्यूस सप्लाई सुनिश्चित करता है। केमिकल का जो लेवल होता है ब्लीचिंग केमिकल ट्रफ के अंदर तो उसको मेंटेन करता है। ये कंप्यूटराइज्ड होता है और कौन सा केमिकल कितना लेना है सारा का सारा प्रोग्राम फीड किया जाता है अपने कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर कमांड देता है जो फीडिंग पंप होते हैं उनको, तो उससे ये केमिकल का जो लेवल होता है ब्लीचिंग केमिकल ट्रफ के अंदर वो मेंटेन हो जाता है। गाइस, ये स्कीमेटिक डायग्राम है तो इसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये आपका ब्लीचिंग केमिकल ट्रफ होता है तो इसी के अंदर सारे केमिकल आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस सारे केमिकल के यहाँ पे टैंक होते हैं छोटे छोटे, उनसे सप्लाई होती है इसके अंदर, ये जो हमारा केमिकल डोजिंग सिस्टम होता है। अब गाइस देखिए, नेक्स्ट में आता है स्टीमर। गाइस, जो हमारा स्टीमर होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू गिव रिएक्शन टाइम टू द फैब्रिक विद ब्लीचिंग केमिकल एट हाई टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर ब्लीचिंग केमिकल के साथ में फैब्रिक के बीच में जो रिएक्शन है उसको एनएफ टाइम देना और एनएफ टेम्परेचर देना। तो जो स्टीमर हाउस होता है वो सॉलिड स्टेनलेस स्टील फ्रेम के ऊपर माउंट किया जाता है, और इसकी जो छत होती है वो इंसुलेटेड होती है। तो इंसुलेटेड छत होने से क्या होता है कि जो अननेसेसरी टेम्परेचर लॉस होता है उसको ये इंसुलेटेड रूफ होती है वो रोक देती है, और स्टीमर के अंदर जो कंडेंस्ड वाटर जनरेट होता है उसको बाहर निकलने के लिए एक ड्रेनेज होता है और कलेक्टिंग पाइप लगा होता है। स्टीमर के अंदर एक हिंज्ड विंडो होती है तो उसके अंदर से जाके आप मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लिए आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर हेलोजन लैंप्स लगाए जाते हैं जिससे जब आप चैम्बर के अंदर जा रहे हो मेंटेनेंस हो या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए
तो वहाँ पे आपको एनएफ लाइट मिलती रहे। गाइज इसके बाद में आता है पोस्ट वॉशिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग कंपार्टमेंट। तो गाइज जैसे ही कपड़ा आपका स्टीमर से निकलता है वो प्री वॉशिंग चैम्बर में एंटर करता है। तो प्री वॉशिंग चैम्बर में क्या होता है कि हॉट वाटर से वॉशिंग की जाती है कपड़े की, और जो ब्लीचिंग केमिकल्स कपड़े के अंदर जो प्रेजेंट हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। अब इसके आगे जो फैब्रिक होता है वो न्यूट्रलाइजिंग चैम्बर के अंदर जाता है। तो जो हमारा कपड़ा है वॉश हो गया, वॉश होने के बाद में उसके अंदर कुछ कलर केमिकल्स रह जाते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो एसिड से क्या होता है कि जो हमारा केमिकल होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद में जो हमारा फैब्रिक होता है वो रिंजिंग कंपार्टमेंट में एंटर करता है, वहाँ पे कपड़े की रिंजिंग की जाती है। गाइस जब कपड़ा हमारा वॉशिंग और न्यूट्रलाइजिंग जोन से या कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है उसके बाद में वो स्क्यूजिंग रोलर से पास होता है, तो वहाँ पर उसकी स्क्यूजिंग हो जाती है, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है कपड़े के अंदर वो निचोड़ जाता है। अब चूँकि कपड़ा हमारा गीला है मतलब मॉइस्ट है, तो उसको सुखाने के लिए ड्राइंग रेंज का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग रेंज के अंदर क्या होता है, टेफ्लॉन कोटेड स्टीम सिलेंडर और स्टेनलेस स्टील के सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, और ये जो सिलेंडर्स होते हैं वो वर्टिकली एक आयरन फ्रेम पर माउंट किए जाते हैं। इन सिलेंडर्स के अंदर सिलेंडर की सरफेस को गर्म करने के लिए सैचुरेटेड स्टीम का प्रयोग किया जाता है, और जब कपड़ा सिलेंडर्स की हीटेड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वो कपड़ा ड्राई हो जाता है। अब ड्राइंग के बाद में फिर कपड़ा आपका एंटर करता है आउटलेट यूनिट के अंदर। तो जो आउटलेट यूनिट होता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फैब्रिक को बैच चेंज के दौरान इकट्ठा करना और मशीन का अननेसेसरी स्टॉपेज को अवॉइड करना, और जो कपड़ा हमारा ब्लीचिंग होकर निकल रहा है उसका परफेक्ट बैच बनाना। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि ब्लीचिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और ब्लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, ब्लीचिंग प्रोसेस कितने प्रकार की होती है, आपकी परोक्साइड ब्लीचिंग क्या होती है, हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग क्या होती है, सोडियम क्लोराइड ब्लीचिंग क्या होती है, और आपकी रिडक्शन ब्लीचिंग क्या होती है, और किसी भी कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।